यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूं कानिता इम्तियाज और मेरे साथ मौजूद हैं उरूज फातिमा। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्ज़िम आसिफ जमान को होश आ गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ताहाल इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में है, जबकि तफ्तीशी हुकाम मुल्ज़िम आसिफ जमान का बयान रिकॉर्ड करने अस्पताल रवाना हो गए हैं। कराची में वजीर आजम इमरान खान से एफ पी सी सी आई के सी सी आई और ऑटोमोटिव पार्ट्स एसोसिएशन के वक्त में मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर बहरी उमूर अली जैदी, वफाकी वजीर हम्माद अजहर, वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा, मुशीर तजारत अब्दुल रजाक दाऊद, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, मुशीर इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, चेयरमैन एफ डी आर सैयद शब्बर जैदी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सैयद जुबैर हैदर गिरानी और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर मौजूद थे। मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम इमरान खान के दौरे कराची पर रद्द अमल देते हुए दाग दहलवी की एक नज्म का मिसरा पढ़ते हुए कहा कि गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इमरान खान से कराची के हकूक से मुतालिक मुतालबा करते हुए कहा है कि वजीर आजम साहब कराची आमद पर कराची पैकेज का वादा वफा करें। अहले कराची आज भी आपके वादों के मुंतजर हैं। 162 अरब रुपए का कराची पैकेज अहले कराची के लिए सबसे बाग साबित हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि नए पाकिस्तान का नारा एक फरेब था, इमरान खान झूठ के बेताज बादशाह साबित हुए। नया पाकिस्तान तो दूर, यहाँ पुराना पाकिस्तान चीख रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत हुई, जिसमें नैब की दरख्वास्त पर उनके जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। डिफेंस के इलाके खयाबान बुखारी में गुज़श्ता रोज निजी टीवी एंकर मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खजर हयात को कत्ल कर दिया गया था, जिससे मुतालिक सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में मुल्ज़िम आतिफ जमान को असलहा के साथ जबकि कई लोगों को इमारत से बाहर भागते देखा जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने हम्माद अजहर से वफाकी वजीर रेवेन्यू डिवीजन का कलमदान वापस लेकर मुशीर खजाना हफीज शेख को यह कलमदान वापस दे दिया। वजीर आजम ने हफीज शेख से इक्तसादी उमूर डिवीजन का कलमदान वापस लेकर हम्माद अजहर को वफाकी वजीर बराए इक्तसादी उमूर डिवीजन मुकर्रर कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।